चलिए आज हम देखते हैं कि अभ्यास बंसी लिखा हुआ है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। हमें ये जांच करना है इसमें बड़ी कौन संख्या। अब देखो यहाँ पे ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, मगर इसमें क्या है, हर बराबर है। ठीक, तो हर बराबर होंगे तो क्या होगा, जो संख्या प्लस की होगी वही ज्यादा की होगी, माइनस वाली वो संख्या कैसी होगी, छोटी होगी। तो इसलिए संख्या पूछ रहा है बड़ी, तो यहाँ पे हम आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये संख्या बड़ी है, तो ऐसे लिख देंगे माइनस के 4/9 बड़ी संख्या 7/9। बड़ी कौन सी संख्या, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। ठीक, ऐसे इसमें देखेंगे। अब इसमें देखो हर तो बराबर है नहीं, हम पहले क्या करेंगे, इसमें हर को बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें 2 का गुणा ऊपर कर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/8। अब देखो इसमें कौन सा देखना है, बड़ी संख्या, जो माइनस में क्या होता है कि जो माइनस सबसे छोटी संख्या होती है, जो जिससे जिस छोटी है माइनस के 6 ये बन, तो वो ही संख्या इसमें बड़ी होती है, इसलिए इसमें संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या। इसको ऐसे टिक लगा देंगे, अब ये लिख देंगे यहाँ पे बड़ी संख्या। ठीक, इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें देख लो क्या कह रहा है, माइनस के 7/12 और ये 5/8। अब इसमें ये भी माइनस माइनस की दोनों संख्या, मगर इसमें बराबर हर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करें, इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का करेंगे, वो भी ऊपर नीचे, तो यहाँ कितना हो गया, 7 × 2 = 14 और 12 × 2 = 24। अब यहाँ क्या, 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24, वो भी माइनस कर। अब देखो इसमें संख्या कौन सी बड़ी आ रही है, तो इसमें संख्या कौन सी बड़ी आ रही है, ये वाली, क्योंकि हमने बताया था माइनस वाली संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ माइनस वाले हैं, ऐसा ना करना प्लस वाली संख्या उसमें बड़ा कर दो, इसलिए संख्या ये बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे ये बड़ी संख्या। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, माइनस के 5/9 ये 3/13। अब देखो ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें संख्या डायरेक्ट पता चल गई कौन संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली, तो माइनस के 5/ अब ये मत, अब देखो यहाँ माइनस की है मगर ये पूरा प्लस का है, 3/13, इसलिए संख्या कौन सी बड़ी होगी, ये प्लस वाली बड़ी होगी, माइनस से प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है, ये संख्या लिखी, तो यहाँ पे बड़ी संख्या। इस तरह से क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी, अब इसमें छोटी देखना है, अब बड़ी नहीं देखना, अब इसमें छोटी देखना। अब इसमें देखो हर बराबर है, मान इसमें लगा मान इसमें लगा, अब संख्या इसमें देखो हमने क्या बताया था, जो संख्या इसमें कम थी वो बड़ी होती थी, मगर अब यहाँ पे कौन सी होगी, जो ज्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी, तो मैं छोटी होगी। अब संख्या छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी माइनस के 5/9, ये कैसे होगी, छोटी संख्या, अब ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखो इसमें हर बराबर है, इसमें संख्या छोटी देखना है, तो ये कौन सी वाली संख्या होगी, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो इस छोटी संख्या कौन सी होगी, जो ज्यादा संख्या होगी, तो कौन सी इसमें छोटी संख्या हो जाएगी, इसमें देखो छोटी संख्या। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे छोटी संख्या ये हो जाएगी। ठीक, तो कौन से लिख लेंगे यहाँ पे संख्या, इसको छोटी संख्या। ठीक, तो देखो इनमें क्या है, ये प्लस की संख्या है, ये भी माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, प्लस संख्या। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हर बराबर है, ठीक, जब हर बराबर होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब छोटी संख्या ढूंढनी है, देखो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या सीधी दिख रही है, कौन सी छोटी संख्या हो जाएगी, ये वाली देख दो यहाँ पे, छोटी संख्या। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, क्यों, इसमें 7 बड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्लस प्लस की संख्या है, इसलिए मैं इसमें कौन सी छोटी होगी, ये वाली 6/11 वाली। अब इसमें देखो यहाँ पे ये पूरा 3 है, ये 7 है, ये माइनस का ये इसका है, तो यहाँ पे संख्या कौन सी ज्यादा होगी, तो इसमें कौन सी छोटी होगी, ये वाली संख्या होगी माइनस वाली, तो यहाँ लिख दो यहाँ पे ये छोटी संख्या। इस तरह से देख लेंगे। अब इसमें देखो संख्या छोटी, इसमें क्या हुआ है, इसमें 3 का गुणा करो, इसमें 3 का करो, तो 4 × 12 = 9, अब ये 8/12। अब देखो संख्या छोटी कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी, ये ज्यादा संख्या है, ज्यादा संख्या क्या होती है, वो छोटी होती है, इसलिए छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली छोटी संख्या। ठीक, इससे पता चल गया कौन सी है, 4/-3 वाली छोटी संख्या होगी। अब चलिए इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर है, छांट कर लिखिए। देखो परिमेय संख्या दिया गया है 4/, समतुल्य देखना है इसके समतुल्य, जो इसके समतुल्य, देखो
अब इसको 4/18 दिया गया, तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 ने 18, मतलब 2/2, 9। देखो 2/9 है, माइनस का माइनस का है, तो आंसर इसका ये कौन सा हो जाएगा संख्या, ये आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला संख्या, और कोई देखने की जरूरत है नहीं। ये प्लस का दिया था, ये तो हो नहीं सकता था, जो माइनस दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? अब हमें बड़ी संख्या देखनी है, क्योंकि इसमें हर देखो सबके बराबर है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हर को क्या करना है, बराबर कर देना है। अब देखो यहाँ हर को बराबर करेंगे, 2 का करेंगे 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, 6/10। अब 6/10 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो 60/10, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 7/10, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, देखो परिमेय संख्या क्या दी है, 4/9 दी, से छोटी संख्या देखनी है। अब 4/9 से, अब देखो परिमेय संख्या, अब देखो हर इनके सबके बराबर आ रहे हैं, छोटी देखने क्या करें, इसमें हर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/18। ठीक, अब हमें ढूंढना क्या, इससे छोटी संख्या ढूंढनी है। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 8/18 छोटी संख्या कौन सी होगी, ये माइनस में दिया गया है तो हमारी संख्या, ये प्लस में दिया गया है तो हमारी संख्या छोटी कौन सी होगी, ये वाली। ठीक, सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है 0 में कौन सी परिमेय बड़ी संख्या है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है इससे बड़ी संख्या, ये कितनी होगी, ये तो 0 हो गई भाई, भाग दोगे 0 हो जाएगी संख्या ये। अब 0 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ चेक करो, यहाँ पे 0 से ये प्लस की हो जाएगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या ये होगी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये क्या जाएगी, 2/7, ये बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब कहना अपने पुस्तिका में उत्तर उत्तर को क्या उतार कर क्या करना है, ये चिन्ह लगाने, कौन संख्या, देखो 4/7, 6/13। अब तुम्हें ये देखना कि कौन संख्या बड़ी है, चलो देख लेते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है क्या है वो अब समझना है इसको। तो देखो इसमें संख्या क्या देखेंगे, देखो पहले चेक करो, यहाँ पे 13 दिया है, अब देखो यहाँ पे 13 गुणा कर, तो इसमें 7 का गुणा, ठीक, तो कितना हो गया, 13 54/52/63/91, और 6/42/63/91। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा था, ये बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी, देखो हर बराबर होगा, ये माइनस होगी इसलिए संख्या ये बड़ी होगी। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें 5 का करेंगे, इसमें 7 का करेंगे, तो कितना होगा, 7 6 28, 7 5 35। अब देखो 5 25 और 5 7 35। अब देखो हमें कौन सा देखना है, बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगी, जो छोटी होगी वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। अब देखो इसमें 7/, अब देखो इसको काट लो, 3 7 21, 3 8 24, देखो 7/8 आ गया, बिल्कुल वही सेम आ गया, तो इसलिए ये संख्या कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब इसमें देखो, अब इसमें संख्या देखना है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। अब देखो यहाँ पे बराबर बराबर करने हैं, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे समझो, ये भी माइनस हम दिया है, ये भी माइनस हम दिया है, तो संख्या देखो क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। अब अगर गुणा करके देखना है तो 9 का इधर कर दो, 10 का इधर कर दो, ठीक, तो ये क्या होगी, 9 में 81/90, अब ये क्या, 80/90, संख्या कौन सी बड़ी होगी, ये वाली, तो संख्या टिक लगा दो ऐसे, ये वाली बड़ी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करते रहिए। लिखा हुआ निम्नांकित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, जब तुम्हें आरोही क्रम में लिखना है तो हमें देखेंगे पहले संख्या लासा लेंगे कि आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में जो संख्या हमारी क्या होती है, बड़ी होती है, वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। चलो अब देख लेते कैसे करना है, इसका लासा लेंगे, लासा हमारा कितना आ जाएगा, देखो 5, देखो क्या दिया, 5 10 15 30, तो 5 10 15 30 का लासा ले लेंगे, लासा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 2 5 10 15 और 15, अब 3 से काट लेंगे, 3 5 15 और 3 5 15, अब किससे काटेंगे, 5 से, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम, ठीक, अब देखो क्या हो गया, 3 2 6 5 30, लास्ट हमारा क्या आ गया, 30 आ गया। अब इनका क्या करेंगे, हर को हम बराबर कर लेंगे, ऐसे पता नहीं चले कौन सा छोटी कौन सी बड़ी, तो हर को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 3 6 5 30 30 30 लाना है, यहाँ पे हर को हमें कितना लाना है, 30 लाना है। अब देखो तो यहाँ पे कितना करेंगे, 5 6 30, 6 का इसमें करेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। अब इसमें देखो 10 10 3 3, तो 3 का लाना पड़ेगा, 30 हो जाएगा, 3 का इसमें करेंगे, अब 15 2 30, तो ये 2 का करेंगे, अब 30, तो हाई इसमें कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या, 3 6, यहाँ कितना हो गया, देखो 3 6 18/30 हो गया, ठीक, 7 6 7 3
21 बटे 10 3 30, 8 2 16, 15 2 30, अब यहाँ पे कितना है 17। तो ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी 17 बटे 30, ठीक। अब देखो हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 बटे 30 आ गया। अब तो हमें क्या करना है, इसको लिखना क्या है, आरोही क्रम में। देखो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, पहले इसमें चेक करो, सबसे बड़ी देखो, सबसे पहले इसमें छोटी देखना है, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी देखना, सबसे छोटी देखो कितनी है, माइनस संख्या आई है, और उसके बाद ये माइनस में, तो देखो हमारी संख्या ये सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये सबसे छोटी नंबर पे आएगी। फिर उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी उससे, पहले से छोटी, फिर उससे उससे फिर उससे बड़ी, फिर कैसी आएगी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ठीक। अब इनको क्रम में लिख लें यहाँ पे, तो देखो क्या क्रम में कैसे लिखे हुए, देखो यहाँ पे समझो, तो पहले नंबर पर हमारी कौन सी आ गई, ये वाली संख्या, ठीक है। तो अब इनको क्रम से लिखते जा रहे हैं, कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। पहले क्या दिया है हमारा पहले नंबर पे, तो 7 लिख दो यहाँ पे, 7 बटे 10, ठीक, ये पहली हो गई। दूसरी संख्या देखो क्या सेकंड नंबर दिया है, 8 बटे 15, तो 8 बटे 15। फिर तीसरे नंबर देखो कौन सी संख्या आ गई हमारे पास, तीसरे नंबर भी आ गई, 17 बटे क्या दिया है, 17 बटे -30, ठीक। और उसको चौथे नंबर कौन सी आ गई, 3 बटे 5। इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, आरोही क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये लिख लो यहाँ पे, आरोही क्रम, ठीक। अब देखो ये संख्या दी गई है अवरोही क्रम में, ठीक। अब अवरोही क्रम में क्या होता है, अब इसको समझना है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे देखो, अब इनका लासा लेना है, चलो लासा ले लेते हैं इसको, लासा कैसे लेना है चलो देखते हैं हम कैसे लेना है। देखो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, दिया 7 6 12 24, ठीक। तो यहाँ पे लासा ले लेंगे, 7 6 12 और 24, इसका लासा लेंगे क्या आ जाएगा, देखो 2 से काटेंगे पहले, 2 3 6 2 6 12 और 12, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 7 3 3 और 3, फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1, फिर 7 से काटेंगे, देखो कट गया। अब इनका गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 2 4 2 8, 8 3 24 24 7, देखो यहाँ पे 24 7 कितना, 7 6 28 और 7 2 14 और 2 16, कितना आ गया आंसर, 168। अब हमें लासा बनाना है इनका, 168। अब देखो कैसे करना है, देखो 4 है, 4 गुणा 4 और 7 गुणा कितने में, देखो यहाँ पे कितना करना है, 24, और 24 का गुणा देखो यहाँ पे, 2 2 4 2 8, 8 3 24, 24 7 दिया है देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 दिया है तो 24 का करेंगे यहाँ पे, 24 के ऊपर करेंगे, 24 नीचे करेंगे, देखो 4 6 16, 4 2 8 9 बटे 7 6 28, 7 2 14, 14 2 16, 168, देखो आ गया 168 लासा लाना, देखो आ गया। ऐसे इसी तरह इसमें भी करना है, अब 5 का करना है, इसमें 5 का क्या दिया, 5 गुणे 28 बटे 6 गुणे 128, सीधी बात है। देखो अब यहाँ पे करना है 6 आ रहा है, देखो तो यहाँ पे क्या करें, 2 2 4 2 8, अब यहाँ पे कर लेंगे, अब देखो अब आगे चलो इनका गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे देखो कितना दे रहा है, -3 गुणे 14 गुणे -12 गुणे 14, गुणा करेंगे इनका तो 168 आएगा। ऐसे इसका करेंगे, 11 गुणे 7, अब 24 गुणा 7, अब देखो आंसर ले लो इनका, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा -140 बटे 168, फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 44 42 बटे 168, अब यहाँ पे इसका करेंगे गुणा तो कितना आएगा, 37 77 बटे 168। अब देखो कौन संख्या पहले आएगी, देखो पहले नंबर पे ये आएगी, क्योंकि क्या पूछा, अवरोही सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा तो माइनस में आ गया, फिर उससे छोटा, फिर ये अब सबसे छोटा, ये इस तरह से लिखना। अब इनको क्रम से लिख दो, सबसे पहले नंबर संख्या कौन सी आएगी, ये वाली संख्या आएगी पहले नंबर, तो पहले वाली ये लिख दो यहाँ पे, क्या आएगी, 4 बटे 7। फिर दूसरे नंबर कौन सी आएगी, 4 बटे 7, दूसरे नंबर पे ये टिक लगा हुआ है, मतलब 3 बटे 12 वाली, क्योंकि प्लस में हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, 11 बटे 24, तो यहाँ लिख दो 11 बटे 24, और यहाँ पे लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली 5 बटे 6। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएंगे, आंसर पूरे हो जाएंगे, इस तरह से ये हमारा ये अभ्यास पूरी हो गई। तो
तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, चैप्टर दी एंड हो गया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ये अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद।